आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज कक्षा 10 विशेषज्ञ ज्ञान में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के 3 अंगों के बारे में अध्ययन करते हुए आज सरकार के 3रे अंग अर्थात न्यायपालिका के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 में भारत की न्यायपालिका के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा ऐसा वर्णन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में वर्णित की गई है। उसी के आधार पर मैं आपके समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया को समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करें। सर्वोच्च न्यायालय के गठन में सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या, मूल संविधान जब बना था तो उस समय अनुच्छेद 124 में लिखा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा जो सरकार के दोनों अंगों पर नजर रखेगा। उस मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश सहित 6 अन्य कुल मिलाकर 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था उस समय दी गई थी। इस संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। वर्तमान में सन 2008 में परिवर्तन किया उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश है। इस प्रकार की व्यवस्था आज वर्तमान में चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश कार्य करते हैं, कार्यरत हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है इसके संदर्भ में भी स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है परंतु राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से चयनित सुझाए गए नामों के आधार पर ही करता है। अब ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश लिए जाते हैं और ये 5 मिलकर राष्ट्रपति महोदय को न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए नाम सुझाते हैं और वो सुझाए गए जो नाम है उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था से सुझाए गए नामों को राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हीं नामों में से विचार कर वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो योग्यताएं भी स्पष्ट है। सबसे पहले न्यायाधीश बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिकता भारतीय मूल रूप से भारत का रहने वाला हो। नंबर 2, किसी उच्च न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय हो किसी भी राज्य का, उस उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, 5 वर्ष लगातार न्यायाधीश रहा हो 2 या 2 से अधिक राज्यों में, राज्यों के उच्च न्यायालयों में या किसी उच्च न्यायालय, या तो किसी उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर जो रह चुका हो वह न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है सर्वोच्च न्यायालय। अथवा इसके अलावा अगर ये नहीं तो ये किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो लगातार 10 वर्ष किसी भी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो
की योग्यता रखता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो तो भी उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए दो योग्यताएं, भारत का नागरिक हो या फिर किसी उच्च न्यायालय में दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रहे हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष अधिक वक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तभी ही उसे किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता। कार्यकाल और महाभियोग, राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है, अर्थात समय अवधि में जब वो न्यायाधीश बनाया जाता है तो उसकी आयु जब तक 65 वर्ष की ना हो, 65 वर्ष पूरा होते ही उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश रह सकता है। इसके अलावा न्यायाधीश बनने के बाद अगर उसके खिलाफ कोई कदाचार सिद्ध हो जाए या उसके खिलाफ संसद महाभियोग प्रस्ताव द्वारा यह सिद्ध कर दे कि उसका आचरण इस पद योग्य नहीं है, प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर ले, तो समय से पूर्व ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यह हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रस्ताव संसद के द्वारा पास होने पर ही संभव होती है। इसके अलावा अगर कोई न्यायाधीश समय से पूर्व यानी 65 वर्ष की आयु से पूर्व त्याग पत्र देना चाहे तब भी वह अपने पद से हट सकता है। इस प्रकार कार्यकाल के संबंध में आपको मैंने संक्षिप्त जानकारी दी। वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं, यानी भारत का जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश होता है उस न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, कैसे कैसे भत्ते दिए जाएंगे, ये सब संसद तय करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इस वेतन के अलावा उन्हें बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जैसे मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, मूल निवास की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पेंशन यानी पेट्रोल जो आने जाने के लिए पेट्रोल, वाहन की सुविधा, ये सब उसे प्राप्त होती है। इसके अलावा जब वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन की सुविधा भी होती है, पेंशन वेत आदि भी मिलती है और ये सब संसद के द्वारा तय किया जाता है। संसद जो भी निर्धारित करती है उसी के अनुरूप पेंशन उनको दी जाती है सेवानिवृत्ति के उपरांत। उन्मुक्तियां, छठा बिंदु आता है उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियों के संदर्भ में हम समझेंगे, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बाद वह कोई भी निर्णय अपनी न्याय प्रक्रिया के तहत करता है तो उसके निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कोई आलोचना करता है तो उसे न्यायिक अवमानना का दोषी मानता है, यानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को आलोचना से मुक्त रखा गया। इसके अलावा संसद में भी, दूसरी बात है, संसद में भी अगर महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है तब ही न्यायाधीश के आचरण, न्यायाधीश के बारे में चर्चा हो सकती है, अन्यथा न्यायाधीश के आचरण व्यवहार और कार्यों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में किसी भी प्रकार की चर्चा संसद में नहीं हो सकती, केवल महाभियोग प्रस्ताव के समय ही इस प्रकार की व्यवस्था वहां हो सकती है, इस प्रकार का काम हो सकता है। अब हम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों को 6 भागों में बांटकर इसके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई
केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। सीधा सर्वोच्च न्यायालय विवादों की सुनवाई करता है। ऐसे के बारे में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्र अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऐसे मामले तीन भागों में इनको हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, भारत सरकार एवं एक गैर एक से अधिक राज्यों के बीच का कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, उसी को यह अधिकार है उनके संदर्भ में सुनवाई करें। दूसरा, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, उससे नीचे के न्यायालयों को इस प्रकार की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद, कोई संवैधानिक विषय पर विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्य उसमें शामिल हों तो ऐसे विवादों की सुनवाई भी देश का सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, उसी को इस प्रकार का अधिकार। इसलिए इनको प्रारंभिक एकमेव क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। इनकी सुनवाई अन्य किसी न्यायालय में नहीं होती, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इनकी सुनवाई करता है। दूसरा, प्रारंभिक संवर्ती क्षेत्र अधिकार, कुछ ऐसे मामले होते हैं मौलिक अधिकार के, मौलिक अधिकार के को लागू करने के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ है या मौलिक अधिकार के संबंध का कोई प्रश्न है तो इसके संदर्भ में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। इसलिए इसे समवर्ती क्षेत्र अधिकार, अर्थात राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी अधिकार है और देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सुनवाई करने का अधिकार है। इसके नियम है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32(1) में इसका वर्णन लिखा है। 32(1) के अंतर्गत अधिकार की रक्षा यानी मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक प्रतिक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा, उत्प्रेषण इन सब की रिट जारी करके वह अपनी सुनवाई कर सकता है, उनके बारे में निर्देश जारी कर सकता है, सरकार को सलाह दे सकता है, सरकार को आदेशित कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी कोई मामला है तो उसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है सुनवाई का, इसलिए इसे संबंधित क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। दूसरी, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के बाद दूसरा अपीलीय क्षेत्र अधिकार। भारत में सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इसके बाद कोई भी अपील करने का न्यायालय नहीं, अंतिम अपीलीय न्यायालय ही माना जाता है। जितने भी राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उन न्यायालयों ने कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय के विरुद्ध अगर कोई अपील की जा सकती है तो वह अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वो संवैधानिक मामले हों, चाहे दीवानी मुकदमे हों, चाहे फौजदारी मुकदमे हों या अन्य प्रकार के मुकदमे। समस्त प्रकार के मुकदमों के खिलाफ अगर कहीं अपील की जा सकती है तो अंतिम अपील का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, यहीं पर इनकी अपील की जा सकती है, इनकी शिकायतों की सुनवाई वहां हो सकती है, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय माना जाता है, इसलिए अपीलीय क्षेत्र अधिकार इसको प्रदान किया गया। तीसरा है परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसी मामले में अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से किसी विधि के मामले में, कानून के मामले में, संविधान के संबंध में कोई जाए सलाह लेना चाहे तो वह उसे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, राष्ट्रपति सलाह मांगे तो उसे सलाह दी जा सकती है। अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है। ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह उनसे परामर्श ले या न ले। इस प्रकार परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय किए जाते हैं, जो भी फैसले सुनाए जाते हैं, नीचे के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय वो सब न्यायालयों में इनके निर्णय साक्ष्य के रूप में स्वीकार होते हैं, यानी इन निर्णयों के आधार पर अन्य निर्णय इस प्रकार के हों तो वो दिए जा सकते हैं, तो साक्ष्य के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है, इसलिए से अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करने पर
पर न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की अवमानना करने पर सजा देने का अधिकार भी रखता है, दंड देने का अधिकार। यानी कहीं पर अगर न्याय प्रक्रिया के खिलाफ न्यायिक व्यवस्था को कोई अवमानना की जाती है या न्यायालय की अवहेलना की जाती है तो अवहेलना को सजा देने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये अभिनीत न्यायालय के दृष्टि से इस प्रकार के काम करता है। पांचवा है मौलिक अधिकारों का रक्षण। संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों के विरुद्ध अगर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाया जाता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह रिट जारी कर किसी भी प्रकार का यानी अधिकार पक्षा उत्पेषण इत्यादि को जारी करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार पक्ष ऑपरेशन आदि को जारी करते हुए सरकार को आदेश दे सकता है और इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ होने वाले कानूनों पर रोक लगा सकता है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब छठा बिंदु आता है संविधान का संरक्षण। छठा बिंदु संविधान का संरक्षण, संविधान की रक्षा, संविधान का संरक्षण, संविधान की रक्षा। संविधान संरक्षण का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। यानी शासन को मर्यादित रखने के लिए, सरकार को मर्यादित रखने के लिए, शासन को मर्यादित रखने के लिए संघीय या राज्य विधायिका संविधान का अतिक्रमण करके किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों को हनन करने के का कार्य करते हैं या कोई ऐसा कानून प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उस पर रोक लगाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षण का कार्य भी करता है। न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन, एक अंतिम बिंदु न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। न्यायिक क्षेत्र में यानी जितने भी अधीनस्थ न्यायालय, उन अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली तय करना, उनके नियम बनाना, उनके संदर्भ में समय समय पर उनका अवलोकन करना, वो सही काम कर रहे नहीं कर रहे ये देखना, मॉनिटरिंग करना, ये सब काम सर्वोच्च न्यायालय का है। इस प्रकार सरकार के तीसरे अंग यानी न्यायपालिका के संदर्भ में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। संघीय न्यायपालिका किस प्रकार काम करती है ये सब हमने जाना। तो ये आज हमारा पाठ पूरा होता है केंद्र सरकार का, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अगले लेसन में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।